यह यात्रा है सोने की चिड़िया भारत की। भारत जो कि विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का महाकुंभ है। भारत जहां की पावन भूमि वनों समुद्रों रेगिस्तानों व बर्फ के पहाड़ों से आच्छादित है। भारत जिसकी कोख में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। भारत जो कि हमारा अपना है। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का इस अद्भुत शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। पिछली दो कड़ियों से हम यात्रा कर रहे थे देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कुछ अत्यंत दुर्गम व बेहद खूबसूरत स्थानों की। सर्वप्रथम हम पहुंचे थे सराहन और उसके बाद हम गए थे सांगला। तो इसी क्रम से किन्नौर घाटी को और आगे एक्सप्लोर करते हुए आज हम आपको ले चल रहे हैं कल्पा। हमारे साथ बह रही है सतलज नदी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं पानी का वेग अत्यंत तेज होता जा रहा है। पानी की आवाज व प्रवाह को देखकर ऐसा लगता है कि यह नदी समुद्र की तरह चिंघाड़ रही हो। रास्ता काफी पथरीला व टूटा फूटा है। ओह गॉड, यह क्या, सड़क पर पानी भरा है जिससे रोड बहुत ही स्लिपरी हो गई है। अरे ये तो रोड साइड झरना है जिसका पानी सड़क पर बह रहा है। इन बेहद खतरनाक व घुमावदार रास्तों पर सामने से आ रहे वाहन को देख पाना बेहद कठिन है, इसलिए यहाँ होते हैं ह्यूमन ट्रैफिक सिग्नल्स, यानी कि इंसान ट्रैफिक सिग्नल्स का कार्य करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं हाथ में लाल झंडा लिए इस व्यक्ति को जो अपने काम को बेहद मुस्तैदी से अंजाम दे रहा है। सलाम करता हूँ तुम्हें दोस्त, तुम्हारी ही वजह से हम यहाँ सकुशल चल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ खतरनाक अंधे मोड़ है। सामने से आ रहे वाहन धूल उड़ा रहे हैं व सड़क के किनारे रेलिंग भी नहीं है, इसीलिए हम काफी संभल संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। हम पार कर रहे हैं शोंगटोंग नाले को और सामने दिखाई दे रहा है शोंगटोंग ब्रिज जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित है। ये छोटी छोटी झंडियां जो संपूर्ण हिमाचल में पुलों पर देखने को मिलती हैं, गुड ओमिन का साइन है व यात्रियों को शुभ यात्रा का संदेश देती हैं। सड़क काफी सकड़ी है और ऊबड़ खाबड़ बम्पी रोड पर सफर करके हिचकोले खाते खाते हम पहुंच जाते हैं कल्पा। होटल में चेक इन करके हम कल्पा की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ मौसम काफी खराब है, आकाश बादलों से ढका है और बारिश शुरू हो गई है। हम अपने छाते को साथ लेकर निकल पड़ते हैं। कल्पा घाटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है कल्पा व्यू पॉइंट से, तो हम आ पहुंचे हैं इसी पॉइंट पर। कल्पा के स्थानीय वासी इसे सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। कल्पा घाटी की ऊंचाई है 9710 फीट। थोड़ा सा आगे बढ़कर आपको यहाँ की ऊंचाई दिखाने का प्रयास करते हैं। बाप रे, नीचे देखते ही चक्कर आने लगा है। नीचे बहती हुई सतलज नदी बहुत सुंदर लग रही है। ये नजारा देखकर तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। हम इस नजारे को देखने में इतना खो जाते हैं पर हमारे गाइड रवि हमारी क्रू को पीछे खिसकने की सलाह देना नहीं भूले हैं। धन्यवाद दोस्त, हम कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस हो गए थे। तो अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पर। रास्ता बेहद संकरा और जोखिम भरा है। यहाँ एक एहतियात और बरतनी होगी क्योंकि चट्टानों से पत्थर टूट टूट कर गिरते रहते हैं, इसीलिए हमें संभल संभल कर धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। तो लीजिए, हम आ गए हैं गांव रोगी। रोगी किन्नौर घाटी का एक बहुत ही पुराना गांव है जिसे स्थानीय लोग किन्नौर का सबसे पुराना ग्राम भी मानते हैं।
गांव में जाने के लिए नीचे कच्चे रास्ते से उतरकर जाना होगा। यहाँ के मकान लकड़ी व पत्थरों से मिलकर बनाए जाते हैं क्योंकि इस स्थान पर भूकंप बहुत आते हैं। जरा इस सुंदर अखरोट के पेड़ को तो देखिए, सामने है पहाड़ी से नीचे गिरता हुआ झरना, जिसका पानी इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण जमीन पर पहुंचने से पहले ही हवा द्वारा बहाए जाने से मिस्ट में परिवर्तित हो गया है। दोस्तों, रोगी ग्राम की एक विशेषता है कि यहाँ आज भी पुराने तौर तरीके जीवित हैं, और इसका उदाहरण है गेहूं पीसने के लिए काम में लाए जा रहे वाटर व्हील्स। इस जल चक्की के इको फ्रेंडली मैकेनिज्म को देखते हैं। पेड़ के तने में छेद करके एक सुरंग बनाई गई है और स्प्रिंग वाटर को एकत्रित करके इस सुरंग से बहाया जाता है। यह पानी इस टर्बाइन पर गिरकर इसे घुमाता है और इसके घूर्णन से गेहूं पिसने लगता है। वाह, क्या अद्भुत प्रणाली है इस जल चक्की की। इस प्राचीन इको फ्रेंडली इंजीनियरिंग का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। दोस्तों, हम जा रहे हैं गांव के प्राचीन नारायण मंदिर में। यहाँ प्रचलित प्रथा के अनुसार मंदिर में नंगे सिर प्रवेश करना वर्जित है, इसलिए हम सभी अपने अपने सिरों को ढक लेते हैं। मंदिर का स्थापत्य बुद्धिस्ट शैली से प्रभावित है। मंदिर में लकड़ी की अद्भुत कारीगरी की गई है। तो अब अंदर चलते हैं। हम देख रहे हैं कि मूर्ति निर्माण में बौद्ध शैली का प्रभाव है। मंदिर के द्वार पर बने ये जीव भी बुद्धिज्म के प्रभाव को साफ दर्शाते हैं। कितनी शांति है यहाँ, बस सिर स्वतः ही श्रद्धा से झुक जाता है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे वन विहार नामक स्थान पर। वन विहार का रखरखाव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए एक आसान सा ट्रैक है। लगातार बारिश होने के कारण काफी ठंड हो गई है। हमारे गाइड हमें अलग अलग पेड़ों की जानकारी देते हैं। यह देखिए, यह है चिलगोजे का पेड़। इस चिलगोजे के पेड़ की ऊंचाई तो देखिए जरा। बहुत ही हरा भरा ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ यह स्थान बरबसी मन को मोह लेता है। यहाँ चट्टानों पर काई अर्थात एल्गी की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, तो चलिए इन्हें क्लिक कर लेते हैं। आगे बढ़ने पर हमें जो खूबसूरत फूल दिखाई दे रहा है उसकी सुंदरता पर मत जाइए। यह है आयरिस का पौधा जो छूने पर एलर्जी उत्पन्न कर देता है। भाई, हम तुम्हें दूर से ही देखेंगे। तुम इतना भर कर दो इस जंगल और चिड़िया को बता दो, चांदनी धूप नहीं बची तो क्या हुआ, संभावना शेष है अभी भी चांदनी धूप और नमी की। वाह, क्या खूब कहा है। अब ट्रैक थोड़ा पथरीला होने के कारण मुश्किल हो गया है। लगातार होती बारिश हमारी मुश्किलों को और बढ़ा रही है। इस संकीर्ण पर सुंदर ट्रैक पर हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। मौसम काफी खराब हो गया है और लगता है हमें वापस लौटने की तैयारी करनी होगी। अत्यधिक बारिश और नमी होने के कारण यहाँ फर्न्स की भी बहुत प्रजातियां पाई जाती हैं। ये लकड़ी का छोटा पुल थोड़ा खतरनाक है और इससे उतरना काफी कठिन हो रहा है। इस स्थान को अलविदा कहकर हम वापस अपने होटल में लौट आते हैं।
अरे देखिए, ठंड से बचने के लिए होटल के कंपाउंड में ये डॉग्स कैसे दुबक कर बैठे हैं। देखिए साथियों, कैसे पूंछ हिलाकर हमारा स्वागत कर रहे हैं। ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले जंतुओं की फर काफी घनी होती है। होटल के आर्किटेक्चर को देखिए, यह लकड़ी और पत्थरों के सम्मिलित योग से बना है। पहाड़ों पर काफी धुंध है क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। यह सामने दिखाई दे रही है किन्नर कैलाश रेंज, जिसकी हाइट है 19,844 फीट। बर्फ से ढकी इन चोटियों का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है। यह वही कैलाश पर्वत है जहां हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव का वास है। यहां होटल कंपाउंड में पानी की बूंदें इस आइरिस फूल के ऊपर कैसे अटखेलियां कर रही हैं, किंतु याद रहे, छूना मना है। अंधकार जल्द ही कल्पा को अपने आगोश में समा लेगा और अंधेरे से ही एकाकार कर लेंगी इस समय चांदी के समान चमकती हुई बर्फ की ये चोटियां। होटल का रेस्टोरेंट लकड़ी से बना है। रात्रि में यहाँ बेहद ठंड होती है और स्नोफॉल के कारण तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे लुढ़क जाता है। हम खाना खाकर शीघ्र ही विश्राम करने के लिए रूम में चले जाते हैं। सुबह की धूप में किन्नर कैलाश की चोटियां कैसी भव्य लग रही हैं। दोस्तों, इन चोटियों पर स्थित है 79 फुट ऊंची एक प्राकृतिक संरचना जो एक शिवलिंग को रिजेंबल करती है। इस शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 7 से 8 दिन का एक दुर्गम ट्रैक है। किन्नर कैलाश श्रृंखला तथा शिवलिंग के अद्भुत व्यूज के कारण कल्पा का एक विशेष महत्व है। तो लीजिए, हम देख रहे हैं किन्नर कैलाश की बर्फ से ढकी सुंदर चोटियां, जहां आज भी भोले भंडारी तपस्या में लीन है। थोड़ा और जूम करके आपको शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। यह देखिए, आप यहां इसे आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों, यहां मध्य भाग की छोटी चोटी पर हम साक्षात्कार कर रहे हैं उसी अद्भुत शिवलिंग का। एक रोचक तथ्य यह है कि यह शिवलिंग अलग अलग प्रहरों में अलग अलग रंग बदलता है, जैसे लाल, नारंगी और पीला। प्रातः हमें यह सुनहरे रंग से रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। यह एक अत्यंत दुर्लभ नजारा है साथियों। कहा जाता है कि इस शिवलिंग को अपने संपूर्ण स्वरूप में देख पाना भाग्य की बात है। किसी ने सच ही कहा है कि यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। धूप में चमकती सुनहरी बर्फ की चोटियों को देखते ही रहने का मन करता है। साथियों, समय आ गया है कल्पा से विदा लेने का, तो आज की यात्रा यहीं तक। आप अपने सजेशंस हमें स्क्रीन पर दिए हुए पते पर भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग आपसे विदा लेता हूँ, अगली बार आपको आगे की यात्रा पर ले जाने के वादे के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घूमते रहिए और भारत दर्शन करते रहिए हमारे साथ इस अद्भुत शो पर, जिसका नाम है भारत दर्शन, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड।